अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ हटपटशहर से रिलेटेड कि मेरा वन ईयर का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी ऑफ हटपटशहर के साथ कैसा रहा है। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी, तो आपको बताते हैं कि ल्यूटन से यूनिवर्सिटी कैसे जाया जाता है, कौन कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं, कितना आपको फेयर पे करना पड़ता है। तो मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू भी कि कैसा यूके का बस स्टेशन या ल्यूटन का बस स्टेशन दिखता है और कितने हैं फेयर आपका लग जाएगा यूनिवर्सिटी जाते हुए। अगर आप आए ना ल्यूटन मॉल वाली साइड से, तो ये आप क्रॉस करेंगे गैलेक्सी और जो कि एक सिनेमा है, यहाँ पर मूवी शूवी देखनी हो तो यहाँ पे आ जाते हैं देखने के लिए। और इधर से आपने राइट हो जाना है, तो ये हम राइट हो गए और अभी हम पहुँच गए हैं बस स्टेशन पर। और वो जहाँ पर आपको सामने 321 बस देखी नज़र आ रही है, ये स्टॉप होता है 6110 का और वो 6110 भी पीछे खड़ी हुई है जो यूनिवर्सिटी लेकर जाती है। तो इसका फेयर जो है ना वो 2 pounds है आजकल, मार्च तक 2 pounds रहेगा सिंगल टिकट का, 2 फॉर गोइंग और वापस रिटर्न आपको 2 pounds पे करना पड़ेगा। 610 बस जो कि यूनिवर्सिटी की बस ही होती है, UNO बस है, और 2 pounds का फेयर है फॉर जाना और 2 pounds आने का, तो इन 4 pounds आप कर सकते हैं। अदर डेज़ में ये 760 होता है, 7.60 होता है इसका फेयर। तो ये स्टॉप नंबर LS7 और LS8 इस पर आती है मोस्टली। तो आपने कभी जाना और ल्यूटन से यूनिवर्सिटी, और अगर आप नए स्टूडेंट आए हैं और आपको नहीं पता कि कौन सी बस में जाना है, तो ये बस होती है। गाइज अभी भी मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा हूँ तकरीबन 1 घंटे बाद, और यूनिवर्सिटी के कुछ क्लिप्स आपने देखे होंगे। तो बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हटपटशहर में मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कंसिडर करनी चाहिए। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हटपटशहर की जो रैंकिंग है ना, पहले भी बहुत ज़बरदस्त थी यूके में, लेकिन अब रिसेंट जो रैंकिंग आई है 2023 की, उसमें यूनिवर्सिटी जो है वो 68 नंबर पर आ चुकी है आउट ऑफ 154 यूनिवर्सिटीज़, और वर्ल्ड रैंकिंग इसकी 801-1000 है। तो बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है। अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो तमाम जो फैकल्टी है, तमाम डिपार्टमेंट्स की फैकल्टी है, वो एक आप कह लें कि वेल क्वालिफाइड लोग हैं और प्रोफेशनल लोग हैं, और आप लोगों से बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं प्रॉपर कि कैसे आपने चलना है, कैसे आप लोगों को मॉड्यूल्स की तरफ जाना है, कैसे मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं, क्या क्या आपको असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, सब के बारे में जो है ना आपको शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक पॉइंट में जो बताना भूल गया, मेरी जो डिग्री है वो MSc डेटा साइंस है, और ये विद रिसर्च प्रोग्राम है, और मीन्स 2 years का प्रोग्राम है। या रिसर्च करनी होती है या फिर प्लेसमेंट लेनी होती है, आई प्रेफर टू गो इन द रिसर्च प्रोग्राम। तो मैं रिसर्च पेपर वगैरह की तरफ गया हूँ, तो आप लोग भी 2 years का मास्टर्स कर सकते हैं हटपटशहर यूनिवर्सिटी से। सेकेंडली, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेपर्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्विज़ होते हैं, क्या होता है। देखिए, मोस्टली जो है ना क्विज़ और असाइनमेंट्स होती हैं, आपको क्विज़ भी देने पड़ते हैं और असाइनमेंट भी देनी पड़ती हैं। और इसके अलावा लास्ट मॉड्यूल में, लास्ट सेमेस्टर में भी मेरा एक मॉड्यूल का एग्ज़ाम हुआ था, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक मॉड्यूल का एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम भी हो रहा होता है ऑफ एंड ऑन, तो एग्ज़ाम भी कंपलसरी होता है। ओवरऑल आपको जो पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, अनलेस कि आप कोई मतलब असाइनमेंट्स वगैरह फेल ना करें, तो 50 ओवरऑल चाहिए होते हैं। आप टोटल 50 ले लें, एक असाइनमेंट से 50 ले लें, अप टू यू, बट ओवरऑल 50% पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100 ग्रेड आपको ये मॉड्यूल क्लियर करने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो 45 या 43 पे भी आपको पास कंसीडर करती हैं, बट इसी वजह से इसकी रैंकिंग अच्छी है कि 50 पे देती है, 50% नंबर्स पे ये आपको पास करती है। तो 3 subjects पहले सेमेस्टर में थे, 3 second में थे, इसी तरह आप लोगों के भी होते हैं, मोस्टली 2-3 subjects चल रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फ़ीस के मामले में यूनिवर्सिटी कैसी है। फ़ीस देखें, इस यूनिवर्सिटी जो है ना आपको स्कॉलरशिप तो देती नहीं है, 500 की अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप देती है मोस्टली स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इसके अलावा तो ऐसा कोई स्कॉलरशिप मैंने तो नहीं सुनी, अगर आप लोगों को कोई पता है तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी इसके लिए इन्फॉर्मेशन मिल सके।
तो फीस आपने जो है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में देनी होती है। पाकिस्तान या इंडिया आप जहाँ से भी आते हैं आपको 5000 इनिशियल डिपॉजिट दे के आना पड़ता है, 5000 pounds, और बाकी आपको यहाँ कर आकर देनी पड़ती है। तो मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर आने के बाद 2 से 3 months देती है कि आप अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दें, जो कि 2000-2500 pounds की होती है, आपको 2500 pounds की होती है। तो आप लोगों ने वो क्लियर करनी होती है, और अगर ना क्लियर कर सकें तो वो कुछ ना कुछ आपको टाइम देते हैं, बिल्कुल भी आपने फीस नहीं रोकनी। जितनी आपके पास फीस होती है, मुझे पता है काफ़ी यहाँ पे मुश्किल होती हैं फीस निकालने में, तो 500, 1000, 300, 400, जितना आपको 2000 जितना आपके पर मंथ सेव हो रहा है आप यूनिवर्सिटी को देने की कोशिश करें तो यूनिवर्सिटी उसको ले लेती है। इवन कि 100 pounds मैंने दे के देखा, यूनिवर्सिटी 100 pounds भी ले लेती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि फीस के मामले में तंग करती है, आपको प्रेशराइज करती है कि आप फीस जमा करवाएं, आपके अकाउंट्स ब्लॉक कर देती है बाज़ार। लेकिन वो उनकी आप कह लें प्रायोरिटी ये होती है, या आप कह लें कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप इससे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी कर सकें फीस के मामले में, वो रिकवरी करना चाह रहे होते हैं। तो अगर आप उनको तकरीबन 10-12 हज़ार फीस दे देते हैं 15 हज़ार में से, 15.5 हज़ार रुपये में से, 15.5 pounds में से सॉरी, तो बाकी जो है ना आपको ये तंग नहीं करते आपकी डिग्री तक। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो कहते हैं जी ले लो अपनी रिमेनिंग फीस, तो ले लो अपनी डिग्री। और अगर आप डिग्री नहीं लेंगे तो आप PSW नहीं अप्लाई कर सकते, आपको पता ही है। तो डिग्री के लिए आपको फ़ीस तो क्लियर करनी ही करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ना फीस की वजह से यूनिवर्सिटी से ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लेकर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वीज़ा स्टेटस आपके पास होना चाहिए, एक अच्छी डिग्री में आप इधर एजुकेशन के लिए आए होते हैं, जॉब्स में पढ़ जाते हैं और यूनिवर्सिटी को नहीं आते, यूनिवर्सिटी में आपने आना है। तो इसका मतलब ये है कि अटेंडेंस भी कंपलसरी होती है। अगर आप अटेंडेंस नहीं यहाँ पे शो करेंगे तो आपको, अगर 2 weeks नहीं आएंगे तो आपको वार्निंग देते हैं कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप आए यूनिवर्सिटी। अगर आपका फिर भी कार्ड टैप नहीं होता, फिर वो UK भी आई, UK वीज़ा एंड इमिग्रेशन वालों को जो है आपकी मेल कर देते हैं वापस को कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, तो आप देख नहीं सकते करना है, और यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरशिप भी कैंसिल कर देती है समटाइम्स। तो इसलिए यूनिवर्सिटी आपने लाजमी आना है, यूनिवर्सिटी नहीं बंक आउट करनी, नहीं ड्रॉप आउट करनी, यूनिवर्सिटी से अपनी क्लासेस वगैरह पूरी लेनी है। बाकी फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, फैकल्टी के बारे में बता दिया। यूनिवर्सिटी इटसेल्फ बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूनिवर्सिटी का वेल मेंटेन्ड है, पार्किंग अपनी है, हर फैकल्टी का अपना अपना डिपार्टमेंट, और काफ़ी अच्छे जो है ना इनकी बिल्डिंग्स हैं, और लाइब्रेरी भी अच्छी है, आपको कंप्यूटर सिस्टम्स भी अच्छे मिलते हैं, हर चीज़ का प्रैक्टिकल के लिए लैब जो है ना वेल इक्विप्ड लैब है, जो लेटेस्ट आपके पास टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो जाती हैं दुनिया में, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ फटफट शहर में मिल रही होती हैं। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो आप बैचलर्स के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन बैचलर्स में आपको पता रेकमेंड नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ रहा होता है, 15,000 फीस पर ईयर देना कोई आसान काम नहीं होता। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, मिनिस्टरों के बच्चे सीखते हैं पाकिस्तान में, तो आप फिर लाजमी बैचलर पे भी हैं। अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो मैं मास्टर ही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मास्टर में आएँ, अपना एडमिशन लें, पढ़ें, ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। और जो है डिग्री आप जब कंप्लीट करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ फटफट शहर का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, जो सबसे एक बड़ा फैक्टर कंसिडर किया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, होता है वो एम्प्लॉयमेंट रेट के आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग कहाँ स्टैंड आउट करते हैं। तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फटफट शहर 96% एम्प्लॉयमेंट रेट है इसका, मीन्स के 96% जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो जॉब्स सिक्योर कर लेते हैं या फिर वो PhD में एडमिशन ले लेते हैं, और 4% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो जॉब्स नहीं ले पाते, या वो अपने अपने होम कंट्रीज़ या कहीं पे भी चले जाते हैं, अपने जो बिज़नेस वगैरह उनके होते हैं पाकिस्तान इंडिया में, वो पढ़ने के लिए आए होते हैं तो वहाँ पे जाकर अपने बिज़नेस को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल रिव्यू था, आप ज़रूर आएँ इस यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन के लिए बेस्ट है, फीस के लिए बेस्ट है, और रैंकिंग वाइज भी बेस्ट है। तो ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस यूनिवर्सिटी के साथ 1 year, और होपफुली कि जो नेक्स्ट ईयर है वो भी इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। तो अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ फटफट शहर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं और मैं इसको टाइमली रिस्पॉन्ड करूँगा। और यार जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि व्यूज़ तो आप लोग दे देते हैं वीडियोस को, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, तो काइंडली अगर आप लोग पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो है ना न्यू वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
Please, another one.